बॉलीवुड एक्टर्स अक्सर अपने लिंकअप्स और ब्रेकअप्स की वजह से खबरों में बने रहते हैं। कई ऐसे रिश्ते भी टूटे हैं इंडस्ट्री में जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इन फॉल अपार्ट्स के बावजूद कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनल लाइफ को साइड में रख प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देकर साथ में काम किया। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ब्रेकअप के बाद भी साथ काम किया और पर्दे पर चार चांद लगा दिए। दीपिका पाडुकोण रणबीर कपूर। दीपिका पाडुकोण और रणबीर कपूर को एक आइडियल कपल माना जाता था, लेकिन बाद में खबरें ये आने लगी कि रणबीर ने दीपिका को चीट किया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते खत्म हो गए। दीपिका ने भी रणबीर के अगेंस्ट कई प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर बात की, लेकिन इनकी इस कड़वाहट बड़े पर्दे पर कभी नजर नहीं आई। फिल्म तमाशा और ये जवानी है दीवानी इनके ब्रेकअप के बाद शूट की गई थी और दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। अभी दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और दोनों ही लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। सलमान खान कटरीना कैफ। रिपोर्टेडली कहा यह जाता है कि सलमान खान और कटरीना कैफ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि इन दोनों ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। लेकिन दोनों आज भी एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं। इनफैक्ट सलमान के फैमिली के साथ भी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है कटरीना। दोनों ने उनके अलेजेड रिश्ते को खत्म करने के बाद एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में साथ काम किए। रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा अब तक तीन फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बेल और दिल धड़कने दो। खबरों के अनुसार दोनों के बीच प्यार पहली फिल्म के शूट के दौरान ही हो गया था। बैंड बाजा बारात रणवीर की डेब्यू फिल्म भी थी, लेकिन रिपोर्टेडली धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार आने लगी और फिर सेकेंड फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल के बाद दोनों ने इस रिश्ते को खत्म किया इन द ईयर 2011। फिर चार साल बाद दोनों दिल धड़कने दो के लिए एक साथ आए और काफी अच्छे टर्म्स पर थे। रणबीर कपूर कटरीना कैफ। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के डेटिंग के किस्से काफी मशहूर थे। दोनों को साथ में खूब पसंद भी किया जाता था। न्यूज ये भी आई थी कि दोनों 2015 में एंगेजमेंट करने वाले हैं, लेकिन सबको एक बहुत बड़ा झटका देते हुए दोनों ने साल 2016 में चार साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अलग होने का फैसला किया। बताया जाता है कि फिल्म जग्गा जासूस की शूट भी इसी वजह से डिले हुई। हालांकि दोनों ने इसे बाद में साथ कंप्लीट किया और एक अच्छे टर्म्स में आ गए। शाहिद कपूर करीना कपूर। शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी सबकी फेवरेट थी। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी और दोनों बड़े पर्दे पर भी साथ लाजवाब दिखते थे, लेकिन चीजें सही नहीं चली इनके बीच और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। जब वी मेट की इस जोड़ी को अलग रास्ते जाते देख फैंस भी काफी अपसेट हो गए थे। रिपोर्टेडली करीना ने शाहिद को छोड़ा था और इसके बाद सब ने सोचा कि ये दोनों को अब पर्दे पर साथ देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन करीब एक दशक के बाद दोनों उड़ता पंजाब में नजर आए। हालांकि दोनों का साथ में कोई सीन नहीं है, लेकिन प्रमोशंस के टाइम दोनों साथ नजर आए थे। अनुराग कश्यप कल्कि केकला। अनुराग कश्यप और कल्कि केकला की जोड़ी ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था। शादी तो हो गई, लेकिन ज्यादा वक्त दोनों साथ नहीं रह पाए। दोनों ने डिवोर्स ले लिया, लेकिन डिवोर्स के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए जब कल की सीक्रेट गेम्स में दिखाई दी तब लोगों को ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा। बता दें कि सीक्रेट गेम्स को पार्टली अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। तो इन कपल्स के बारे में जानकर आपका क्या कहना है? क्या आपको ऐसे ही कोई और कपल याद आ रहे हैं? तो हमें कॉमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।